YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इसमें हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कल किस डायरेक्शन में हो सकता है, कौन से स्टॉक्स है जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव करा सकते हैं, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी का। तो देखिए, निफ्टी का जो यहाँ पर चार्ट है, कल ही बताया था कि मैंने कि ये 16,800 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है अगर ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता। वैसा ही हुआ, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव था, जिसको आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके देख सकते हैं। हम अपडेट करते रहते हैं कि ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, SGX निफ्टी कैसा है, उसके अनुसार हमारा क्योंकि ओपनिंग होता है। तो यहाँ पर ओपनिंग की चर्चा हम बाद में करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर गया। देखिए यहाँ पर ये तो काफ़ी ऊपर गया निफ्टी, 16,940 के आसपास गया और उसके बाद यहाँ पर शार्प हमें फिर से फॉल देखने मिला। लेकिन यहाँ पर जो निफ्टी है प्रीवियस डे के मतलब लो को ब्रेक नहीं किया है, तो कल अगर यहाँ पर लो ब्रेक होता है, क्योंकि अभी तो सेंटिमेंट पूरी तरह से निफ्टी का निगेटिव है, तो किसी भी मतलब राइज पर अगर निगेटिव साइन दिखे, मतलब आपको नेगेटिव कैंडल दिखता है या नेगेटिव कोई भी पैटर्न दिखता है, तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। तो अभी सेल ऑन राइज है निफ्टी। अगर ये इस लो को ब्रेक कर देता है जो कि है 16,630 का, तो फिर हमें यहां पर एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकता है। तो निफ्टी यहां पर फिर 16,000 तक के लेवल तक भी आ सकता है। अभी हमारा मार्केट पूरी तरह से सेंटिमेंट निगेटिव है निफ्टी का। वही जो निफ्टी को स्टॉक्स मूव कर सकता है वो है रिलायंस। देखिए रिलायंस आज भी काफ़ी गिरावट देखने मिला, जिसके कारण निफ्टी में भी हमें गिरावट देखने मिला। तो कल भी अगर ये 2640 के नीचे अगर ट्रेड करता है रिलायंस, तो एक गिरावट इसमें हमें देखने मिल सकता है, तो ये निश्चित रूप से निफ्टी को भी नीचे लेके आएगा। फिर जो अगला स्टॉक्स है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में थोड़ा सा आज पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने मिला। देखिए यहाँ पर रिलायंस का जो वेटेज है वो 11% के ज़्यादा है, जबकि इसका वेटेज जो इन्फोसिस का वो 8% के आसपास है और HDFC बैंक का भी 8% है। तो यहाँ पर इन्फोसिस आज पॉजिटिव रहा। इन्फोसिस जो है निफ्टी को ऊपर ले जाने का कोशिश किया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में था, जिसके कारण हमें निफ्टी में गिरावट देखने मिला। वहीं इन्फोसिस के आगे के दिन की बात करें तो इन्फोसिस में अभी खास कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम राइज देखने नहीं मिला है। साथ ही साथ ये जो मतलब एक चैनल में है, देखिए ये चैनल, इस चैनल को ब्रेक करता है तो फिर हमें इन्फोसिस ऊपर की ओर जाता हुआ देखने मिल सकता है। देखिए इस तरह का ये चैनल बना रखा है, अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है तो हम फिर इसमें थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, तो ये निफ्टी को भी थोड़ा ऊपर ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, ऊपर तो मतलब ग्रीन कैंडल बना है लेकिन ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। वहीं जो हम रिलायंस में देखते हैं, तो रिलायंस में देखिए काफ़ी गजब का वॉल्यूम था, तो यहाँ पर रिलायंस गिरावट दिखाया, साथ साथ ये वॉल्यूम के साथ था। देखिए TCS अभी जो है यहाँ पर जो कैंडल बना है, ये एक डोज कैंडल है जो कि दिखाता है इनडिसिजिव है, मतलब यहाँ पर ना तो बायर ना तो सेलर कोई अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है, यहाँ पर बायर ज़्यादा मतलब पावरफुल है या सेलर। तो यहाँ पर कल किस तरह से TCS ट्रेड करता है, अगर ये यहाँ पर लो को ब्रेक करता है प्रीवियस डे के जो कि है 3460 रुपया को, तो फिर ये काफ़ी वीक हो जाएगा। तो TCS वीक हुआ तो 5% इसका वेटेज है, ये निफ्टी को भी नीचे ले आएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है थोड़ा सा डोजी कैंडल बना है जो ग्रीन टाइप का, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो TCS भी चार्ट पे वीक है, अगर लो को ब्रेक करता है तो गिरावट दिखाएगा। फिर अगला है HDFC। देखिए HDFC ये भी इसमें आज भी देखिए गिरावट देखने मिला, तो गैप अप ओपन होने के बाद मतलब फॉल किया, तो अभी यहाँ पर हम वेट करेंगे अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है। साथ साथ यहाँ देखिए एक सपोर्ट वाले ट्रेन लाइन को भी बना रखा, अगर इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ पर इस लेवल तक आ सकता है जो कि है 2110 रुपया तक। तो अगर ये 2200 के लेवल को ब्रेक करता है या कि इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ये भी निफ्टी को नीचे ले आएगा, इसका भी 5% वेटेज है। अब देखिए बात करें निफ्टी बैंक का, तो निफ्टी बैंक भी सेम चार्ट बनाया है जैसा कि निफ्टी। अब यहाँ देखिए अब गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर शार्प हमें सेलिंग देखने मिला। यहाँ पर अगर ये कल इस लो को ब्रेक करता है प्रीवियस डे के लो को, मतलब 35,000 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर दे जो कि इसके काफ़ी नीचे है, 35,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद निफ्टी बैंक काफ़ी वीक हो जाएगा। तो अब निफ्टी बैंक भी सेल ऑन राइज है, अगर निफ्टी बैंक ऊपर गैप अप ओपन होता है, कोई भी वहाँ निगेटिव कैंडल दिखता है तो फिर हम उसको सेल कर सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के बाद अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर इसको आप बाय भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको इंट्राडे बेसिस आपको किस तरह का प्राइस पैटर्न बनता है उसके अनुसार ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे।
देखिए कौन सा स्टॉक्स बैंक निफ्टी को मूव करा सकता है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक, जो कि बैंक निफ्टी को मूव करा सकता है। 29% के आसपास इसका वेटेज है। अगर ये कल यहाँ पर नीचे ओपन होता है, आज का जो क्लोजिंग है उसके नीचे ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे ट्रेड करता है, निश्चित रूप से बैंक निफ्टी को ड्रैग करेगा, नीचे की ओर ले जाएगा। फिलहाल एचडीएफसी बैंक में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, पूरा का पूरा ये स्टॉक वीक है। अपने सपोर्ट रीजन के पास, मतलब जो डिमांड जोन है उसके आसपास है। और यहाँ पर देखिए ये सेलिंग का वॉल्यूम भी थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट हमें देखने मिला, तो हो सकता है कल थोड़ा सा सेलिंग कम हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर गिरावट दिखाता है निश्चित रूप से ये निफ्टी बैंक को नीचे लेके आएगा। फिर जो दूसरा वेटेज है वो आईसीआईसी बैंक का है, जिसका वेटेज जो है 22% है निफ्टी बैंक में। और ये सारे स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इसका वेटेज निफ्टी में भी अच्छा खासा है। तो ये जब नीचे आएगा तो निफ्टी को भी नीचे लेकर आएगा, ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी ऊपर ले जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आईसीआईसी बैंक अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे तो हमें 720 के लेवल को ब्रेक करे तो फिर हमें ये 700 के लेवल को दिखा सकता है। अगर 700 तक आता है 720 को ब्रेक करके तो फिर निश्चित रूप से निफ्टी बैंक को भी ये काफ़ी नीचे लेके आएगा, इसका भी वेटेज, क्योंकि निफ्टी बैंक में 22% है। तो यहाँ पर कल हमें देखना पड़ेगा, आज जो कैंडल बना है ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बना है, ये कैंडल एक्टिव तब होता है जब ये आज के मतलब इस कैंडल के लो के नीचे कल ट्रेड करना शुरू करे। तो आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक से कम वीक है, क्योंकि ये देखिए ये जो स्विंग बनाया है इस स्विंग का, जब तक ये 50% या 60% को ब्रेक नहीं कर देता है, मतलब ये 700 के लेवल को जब तक ब्रेक नहीं कर देता है, तो आईसीआईसी बैंक चार्ट पे वीक नहीं होगा। तो आईसीआईसी बैंक अभी चार्ट पे स्ट्रांग है, तो ये यहाँ से हो सकता है ऊपर भी मूवमेंटम कर सकता है, तो ये निफ्टी बैंक को ऊपर भी लेके जा सकता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक कुछ ज़्यादा ही वीक है। फिर अगला है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक तो चार्ट पे पूरी तरह से वीक है। देखिए एचडीएफसी बैंक वीक है और एक्सिस बैंक ये भी काफ़ी वीक है। ये देखिए अपना ये जो स्विंग है इस स्विंग का लगभग 60% को ब्रेक कर चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। कल 700 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये एक गिरावट दिखा सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को नीचे की ओर ड्रैग करेगा। फिर है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, कल हमने इसको बाय में भी दिया था कि अगर यहाँ से ये ऊपर ओपन होता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा ये ऊपर गया था, अगर आपने बाय किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला होगा। देखिए अभी भी ये स्ट्रांग है, जब तक ये यहाँ पर कम से कम ये 1750 के नीचे नहीं चला जाता है तब तक कोटक बैंक जो वीक नहीं होगा। तो कोटक बैंक स्ट्रांग है, इसका 11% वेटेज है निफ्टी बैंक में। तो ये अगर यहाँ पर अभी भी स्ट्रांग रहता है थोड़ा सा ये निफ्टी बैंक को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो मेजोरिटी स्टेक है एचडीएफसी बैंक का वो काफ़ी वीक है। आईसीआईसी बैंक भी थोड़ा सा वीक है, एक्सिस बैंक काफ़ी ज़्यादा वीक है। एक्सिस बैंक और कोटक बैंक दोनों का 11% वेटेज है, तो ये कोटक बैंक थोड़ा सा चार्ट पे स्ट्रॉन्ग है। फिर बात करते हैं एसबीआई का। तो देखिए एसबीआई भी चार्ट पे वीक हो जाएगा, अगर ये यहाँ पर 475 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर एक बड़ी गिरावट होगा। मतलब ये ऐसे भी वीक हो चुका है, देखिए काफ़ी ज़्यादा ये नीचे आ चुका है। अगर ये 475 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये काफ़ी वीक होगा, और ये नीचे जो है 460 तक के लेवल को दिखा सकता है, तो ये निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा नीचे तक लेके आ सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे या ऊपर मोमेंटम करा सकते हैं। अब हम आज का देख लेते हैं, आज को किस तरह से यहाँ पर निफ्टी ने ट्रेड किया। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर मोमेंटम किया, फिर देखिए यहाँ पर एम पैटर्न बनाया। तो यहाँ पर एम पैटर्न बनाया तो जैसे इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं, और फिर अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम नीचे की ओर दिखाया। इसी तरह से प्राइस पैटर्न जो बनता है, जो प्राइस एक्शन है, इसको ध्यान रखना है लाइव मार्केट में। तो प्राइस एक्शन के माध्यम से आप आसानी से निफ्टी और बैंक निफ्टी को इंटरडे में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एम पैटर्न बनाया था उसके नेकलाइन को ब्रेक किया था, फिर से उसको रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे आराम से। यहाँ पर आप यहाँ के ऊपर के कॉल को सेल करते अच्छा खासा प्रॉफिट होता, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो सब के सब जो ऊपर के कॉल है वो सब के सब जीरो हो गए। देखिए जब भी गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, प्राइस एक्शन को बनने दीजिए, फिर ट्रेड कीजिए, काफी बेहतरीन ट्रेड आपको मिलेगा। कल देखिए कल निफ्टी किस तरह ट्रेड कर सकता है। कल अगर इस लो को ब्रेक करता है, जो प्रीवियस डे का लो है इसको ब्रेक करता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करेगा, तो नीचे की ओर अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। ऊपर की ओर अभी कुछ खास स्ट्रेंथ है नहीं, तो ऊपर कुछ खास हम यहाँ पर संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि ऊपर निफ्टी मूव कर सकता है। कोई न्यूज बेस्ड मोमेंटम आ जाए तो अलग बात है। फिर अगला है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज किस तरह से, ये भी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर गया, फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जब नेक लाइन ब्रेक होता है, जब ये नेक लाइन ब्रेक हो,
जो कि 35,640। तो देखिए फिर यहाँ पर जबरदस्त मोमेंटम ये नीचे की ओर दिखाया। इसी तरह प्राइस एक्शन जो बनता है उस प्राइस एक्शन को ध्यान रखना है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ये काफी जबरदस्त नीचे की ओर मोमेंटम दिखाया, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेते निश्चित रूप से काफी अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता। अब कल बैंक निफ्टी किस तरह ट्रेड कर सकता है, तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता और नीचे के रेंज को ब्रेक करता है जो कि 35,100, तो फिर यहाँ पर ये 35,034,900 के लेवल को आराम से दिखा सकता है। अगर ऊपर की मोमेंटम की बात करें, ऊपर जो है कोई खास मतलब यहाँ पे स्पेस है नहीं मूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार देखिए यहाँ पर भी सेलिंग आया, यहाँ पे भी सेलिंग आया, तो ऊपर खास कुछ स्पेस बचा नहीं है जो कि मोमेंटम हो सकता है। न्यूज बेस्ड या कोई पॉजिटिव मतलब न्यूज आ जाए उसके कारण मोमेंटम हो जाए तो अलग बात है। थी ओवरऑल आज का एनालिसिस था किस तरह से कल मार्केट बिहेव कर सकता है इंट्राडे बेसिस में। निश्चित रूप से प्राइस एक्शन को फॉलो करना है इंट्राडे बेसिस पे, फिर आपको अच्छा खासा वहां पर प्रॉफिट मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।